वेलकम बैक टू कविता इज हेयर। जैसा कि थंबनेल से आपको कंफर्म हो गया होगा कि आज की वीडियो का कंटेंट क्या है, तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि इस वीडियो को 7 जून 2022 को अपलोड किया गया था सबसे पहले। इसका सबूत आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसे 8-9 दिन पहले अपलोड किया गया था। जब हमने इसको अपलोड किया था 7 जून के समय, तब इसका फेज़ वन चल रहा था ऑफ दिस क्विज कंपटीशन। और अब हमने इस वीडियो को रीपब्लिश इसलिए किया है क्योंकि हमें आपको बताना है कि इसका फेज़ टू स्टार्ट हो चुका है, इसलिए इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। इस एक्साइटिंग और सुपर अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। रिसेंट टाइम का वन ऑफ द बेस्ट फ्री ऑनलाइन क्विज कॉम्पिटिशन में से एक है। इस फ्री ऑनलाइन क्विज 2022 में फ्री पार्टिसिपेशन तो है ही, यहाँ पर आपको एक्साइटिंग अट्रैक्टिव प्राइजेस भी दिए जाएंगे। और ये सब जो आप अवार्ड्स देख रहे हैं, इनमें से कोई एक आपको मिलेगा। आपको ट्रॉफी भी मिल सकता है, मोमेंटो भी मिल सकता है, मेडल भी मिल सकता है, गिफ्ट्स मिल सकता है या कैश मिल सकता है। इन 5-6 चीज़ों में से एक चीज़ विनर को मिलेगी। इस ऑनलाइन क्विज कंपटीशन का टाइटल रखा गया है समर स्कूल कॉन्टेस्ट। इसके ऑर्गेनाइजर हैं ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इंडिया और विन अट्रैक्टिव प्राइजेज हेयर। यह इस समर स्कूल जीके क्विज कॉन्टेस्ट का ऑफिशियल पोस्टर है जो देखने में बहुत ही शानदार है। विन एक्साइटिंग गिफ्ट हैम्पर्स और पार्टिसिपेशन लिंक भी आपके सामने है। आप जानते हैं सबसे मेन पॉइंट यानी टर्म्स और कंडीशंस के बारे में। नंबर वन ये कि अंडर द OUP समर स्कूल कॉन्टेस्ट पीपल आर इनकरेज टू विन एंड पार्टिसिपेट फॉर गिफ्ट हैम्पर्स। और ये कॉन्टेस्ट सभी पीपल के लिए ओपन है रिसाइडिंग इन इंडिया। बस जो OUP के बिजनेस पार्टनर्स हैं वो इसका हिस्सा नहीं बन सकते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज़ और फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो। और नंबर की बात करी जाए तो ये कॉन्टेस्ट 11 मई को ओपन हुआ था और 20 जून तक ख़त्म हो जाएगा। नंबर फोर यह है कि इसका फेज़ वन 16 मई से चल रहा है और फेज़ टू 15 जून को सामने शुरू हो जाएगा। विनर हर फेज़ के बाद ही डिक्लेयर होगा। पार्टिसिपेंट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स विल बी अ पार्ट ऑफ लक्की ड्रॉ एंड विनर विल बी चूजन फ्रॉम लक्की ड्रॉ प्रोसेस। वन पार्टिसिपेंट कैन बी जस्ट विनर ओनली वंस थ्रू आउट the contest period. OUP shall not be held liable, obligated to answer for queries. बाकी आप यहाँ पे read कर सकते हैं। Winners को inform किया जाएगा OUP के Facebook पेज पर और OUP का decision is final and binding for all participants and winners. यहाँ पे terms और conditions constitute करनी चाहिए an agreement between OUP and each participant. और आपको भी सारी conditions को accept करना है after submitting your quiz एंट्री। OUP विल बी इंटाइटल टू पोस्टपोन सस्पेंड मॉडिफाई और कैंसिल दिस क्विज एट एनी टाइम। और यहाँ पर बाकी आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत लंबा चौड़ा रूल है। नंबर 11 की बात की जाए तो एनी डिस्प्यूट और क्लेम अराइजिंग आउट ऑफ और इन रिलेशन टू एग्रीमेंट विल बी गवर्न्ड बाय एंड कॉन्स्टिट्यूट इन अकॉर्डेंस विद इंडियन लॉज। इसके अलावा लास्ट पॉइंट ये है कि बाय पार्टिसिपेटिंग इन दिस एंड सेंडिंग अस इंफॉर्मेशन आप एग्री कर रहे हैं टू रिसीव ईमेल और फोन मार्केटिंग फ्रॉम OUP इन रिलेशन टू अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। लास्ट वन आई वुड लाइक टू से दैट कि ये बहुत इनिशिएटिव है और ऐसे रेयर कॉम्पिटिशंस बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। तो एज यूजुअल इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें। तो मिलते हैं फिर एक न्यू इन्फॉर्मेटिव अपडेट के साथ। टिल देन ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू एवरीवन।